बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। बढ़ते हैं अगले व्हाट्सएप वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं कि ये साहब कौन है, कहां से हैं और क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, मैं लाहौर से शहजाद बात कर रहा हूँ। पता डॉक्टर साहब, चल वो गया। आपसे मैंने बात की थी ना, जो बकरी को जो बच्चे जाया हो गए हुए थे, तो उसका जो है ना कितने देर का पीरियड होता है कि जो अंदर से सफाई वगैरह करने का होता है, तो उसके बाद वो है ना उसका दूध कम से कम 24 घंटों में एक स्ट्रांग दूध दे रही है, एक टांकी दूध दे रही है, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ थोड़ी सी मेहरबानी कर दें और ये और कुछ खिलाना पिलाना, कोई गिल्ला वगैरह खिलाना शुरू कर दूं कि अभी खुशक में रखूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी जान शहजाद साहब, आप इस तरह करें ना, एक उसकी कब तक होती है सफाई वो आप डॉक्टर से रजू करेंगे ना, वो आपको बता देंगे कि इसकी, अगर तो आपने इसको खुराक ऐसी दी है, कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं कि खुद ब खुद सफाई हो जाए। जिस तरह के मैं आपको कहा था कि हाड़ू और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा, हाड़ू और गुलाब के फूल की पत्तियाँ और अलसी और ये चीज़ें मैंने, और मीठा सोडा ये कहा था ना, इन चीज़ों को आपने इनको देना है। वो आप देते रहे होंगे तो सफाई इसकी हो गई होगी। बाकी अगर इन्फेक्शन अगर रह जाए अंदर हो, तो वो डॉक्टर से मशवरा करके, तो वो अगर तो टेक्निकली साउंड हुआ तो वो अंदर इसके रख देंगे गोलियां इसके बच्चादानी में, ना हुआ तो फिर वो एंटीबायोटिक का कोर्स कर देंगे, और जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगी, रहेगी। बाकी रहा कि खुश्क, अभी तो खुश्की देते रहें 20-25 दिन तक, तो खुश्क दे दें। अब अगर 20-25 दिन हो चुके हैं तो फिर आप गीला भी दे सकते हैं। बाकी रहा, एक चटांक दूध दे रही है तो चटांक से ही शुरू करता हूँ एक काम, वो आपने कर लेना है। एक चटांक ही ले लेना है सफ़ेद ज़ीरा, और एक चटांक ही ले लेनी है हाड़ियों, और एक चटांक ही ले लेनी है अलसी। तीनों को अच्छी तरह गर्म करके अच्छी तरह दूध में, दूध ले लेना है कोई आधा लीटर दूध में डाल के, और अच्छी तरह बॉयल करें, अच्छी तरह खीर सी बन जाए, तो इसके अंदर चीनी मिला के ये इसको खिला दें। और ये रोज़ाना खिलाते रहें, कोई 6-7 दिन खिलाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला शहजाद साहब ये एक चटांक नहीं और बढ़ा देगी, दूध भी बढ़ाएगी इंशाल्लाह ताला, और दुआ भी करूँगा साथ। इसको 20 ग्राम आप निटाफास या रूमाफास या कौमी कैल्सीविट पाउडर जो होता है ना, वो भी ज़रूर शक्कर में मिला के वो भी देते रहें, इंशाल्लाह दूध बहुत ठीक देना शुरू कर देगी। दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, और जो उसने बच्चा गिरा दिए हैं आइंदा उसके नेमल बदल दे, और अच्छी तरह वो आगे बच्चे जन्म दे और आपके घर में खुशियाँ आए, ठीक है। दुआओं में याद रखना, मैं भी दुआ आपके लिए कर रहा हूँ। फीमल्ला।